स्वागत है आप सभी का आज का ब्लॉग में। तो आज आप सभी को लेके चलते हैं लेक मिनिया टोंका। अभी क्या है ना, जस्ट विंटर से समर आया है तो अभी जो लेक का पानी है वो बहुत ही क्लीन और नीला दिखता है, बहुत देखने में एकदम अच्छा लगता है। Yes, और अभी यहाँ जस्ट विंटर गया और समर आ चुका है, तो अभी आज हम लोग जा रहे थे घूमने तो सोचे कि आज का ब्लॉग शूट करते हैं, आप सभी को भी दिखाते हैं कि कैसा यहाँ लेक का पानी अभी जो है ना एकदम नीला नीला दिख रहा है। बाद में एक महीने बाद वही पानी थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है क्योंकि अभी जस्ट बर्फ से पानी में बदला है, इसके लिए ज्यादा क्लीन दिखता है। तो लेक मिनिया टोंका के बारे में दो सब बोलेंगे मेरे हस्बैंड जी, जरा बताइए लेक मिनिया टोंका के बारे में। मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है, बस घूमने ही जाते हैं हमेशा। वैसे मुझे भी कुछ खास नहीं है, ये है कि लेक मिनिया टोंका ये ट्विन सिटीज इसको बोलते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं ना, मिनियापोलिस सेंट पॉल, ये दो शहर एक साथ है, इसको ट्विन सिटीज बोलते हैं। तो ट्विन सिटीज से लगा हुआ वन ऑफ द बिगेस्ट लेक है। वैसे पूरे मिनेसोटा में टोटल 10,000 लेक है, उसमें से इसका जो रैंक है वो नौवां मतलब नाइन्थ सबसे बड़ा लेक है। और सबसे बड़ा जो लेक है मिनेसोटा में वो तो लेक सुपीरियर है, तो सब लोग जानते हैं लेक सुपीरियर के बारे में, वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा। उसका भी वीडियो हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं, जाने वाले हैं, एक वीडियो तो ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर से प्लान है कि समर में अगर कोविड सब कुछ अच्छा रहा तो जाने का है, नहीं तो अगर सिचुएशन खराब होगा तो शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि हेल्थ फर्स्ट है, घूमना बाद में है। हाँ, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो लेक सुपीरियर का भी वीडियो बनाएंगे। तो लेक आप बताइए, लेक मिनिया टोंका क्यों उसका नाम पड़ा है? लेक मिनिया टोंका उस जगह का नाम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली रीजन, मेरे को नहीं पता है क्यों पड़ा है लेक मिनिया टोंका, उस एरिया को ही मिनिया टोंका बोलते हैं। अच्छा, ना सिर्फ लेक का, उसके आसपास का जो एरिया है ना उसको मिनिया टोंका बोलते हैं। उस एरिया का नाम है मिनिया टोंका, इसके लिए लेक का भी नाम मिनिया टोंका ही हो गया है। ये टोटल 20-22 स्क्वायर माइल से ज्यादा का है, और ये जो जैसे मैं बोला था कि ट्विन सिटीज में इस एरिया में सबसे बड़ा लेक है। इनफैक्ट वो सिर्फ लेक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारा लेक, लाइक 8-9 लेक एक साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा जुड़ के ना बहुत बड़ा लेक हो जाता है। और बहुत सारा बे है, माने की खाड़ी, और बहुत सारा ऐसा वहाँ पे बोट चलता है, ऐसा क्रूज शिप भी चलता है। अभी इस बार तो इस बार क्या लास्ट समर भी कोविड था तो उसकी वजह से नहीं चला, नहीं तो शिप क्रूज ऐसा सब भी कर सकता है। एक बार हम लोगों ने ट्रिप किया भी था, देखते हैं, उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं करते थे तो बस ऐसे ही नॉर्मल वीडियो शेयर कर सकते हैं, उतना बड़ा नहीं होगा, ब्लॉगिंग नहीं होगा, पर वो मेमोरी में वो कहीं ना कहीं होगा, तो अगर उसको ढूंढना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये मेरा पिछला जब हम लोग क्रूज का ट्रिप करे थे तो वो वीडियो मिल चुका है, तो यहाँ पे ये छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ। उस टाइम सूर्या बहुत ही देखे यहाँ पे मस्ती कर रहा है, उसको जब बीचों बीच लेक में थे तो ठंडी ठंडी हवा जब आ रही थी ना तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये रहा बैक मेमोरी जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं आपको लेक मिनिया टोंका। ये देखिए, ये है इस पेट का राज। घर से निकलते ही 2 मिनट हुआ नहीं कि खाना पीना चालू, यहाँ पे देख सकते हैं। अरे वो पेट तो तुम्हारे चैनल के प्रमोशन के लिए बढ़ाए हैं, तुम्हारा फूड का चैनल है
रेसिपी रिलेटेड ब्लॉगिंग करती हो, पेट नहीं बढ़ेगा तो लोग विश्वास कैसे करेंगे कि अच्छा खाना बनाती है। हमेशा कोई ना कोई बहाना जो है पेट को ढकने के लिए रेडी रहता है, तो आप सबने सुन ही लिया क्या रीजन हुआ पेट बढ़ाने का। अभी हम लोग मिनिया टोंका में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है, पार्किंग वगैरह इधर फुल है पूरा। अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे देखते हैं कि पार्किंग कहाँ पे मिलती है। यहाँ पे अभी देख सकते हैं हम लोग रोड पे हैं और साइड में यहाँ पे लेक दिख रहा है और क्रूज वगैरह भी लगा हुआ है। जिनको राइड करना है तो कर सकते हैं, मगर शायद इस बार नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोविड है, तो बंद में अंदर क्यों जाए रिस्क लें। और अभी वैक्सीन वगैरह भी हम लोग नहीं लिए हैं, तो कोशिश करेंगे बस ऐसे ही इंजॉय करने का, बाहर घूमने का फ्रेश हवा में, और थोड़ा लोगों से डिस्टेंस बना के रहें, ज़्यादा पास में ना जाए किसी के। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग रोड के ऊपर हैं, नीचे बहुत लोग वॉक कर रहे हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग सोए हुए भी रहते हैं लेक के किनारे। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड के ऊपर हैं हम लोग, अभी नीचे जाएंगे तो फिर बाकी का वीडियो आपको दिखाती हूँ। इसमें लेक के पास आ गए हैं, यहाँ पे देखिए सूर्या जी महाराज आगे आगे भाग रहे हैं, ये देखिए ये रहा। तो यहाँ पे ये क्या है ना, बहुत बड़ा लेक है, तो लेक के जैसे किनारा बोले या छोर बोले, मतलब अलग अलग छोर पे अलग अलग, एक साइड में बीच का, बीच तो है नहीं ये लेक है, मगर बीच का बीच जैसा सैंड वैंड डाल के बीच बनाए हुए हैं जहाँ की बच्चे लोग खेले एंजॉय करें। और आधे साइड में इधर है, थोड़े बहुत बेंच वगैरह लगाए रखते हैं और जहाँ पे बोट वगैरह मतलब खड़ा करने का रहता है स्टैंड वगैरह, उधर अलग है। तो बहुत सारा किनारा है, तो देखते हैं कितने किनारे पे जा पाते हैं, थक जाएंगे तो ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग नीचे वाले छोर पे जा रहे हैं, मतलब किनारे पे, यहाँ जहाँ नीचे है ऊपर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना कि सूर्या जाके थोड़ा बहुत उसको ऐसा स्टिक स्टोन फेंकने का बहुत पानी में शौक़ है, तो वो जाके थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय कर पाएगा, क्योंकि ऊपर जब जाएगा तो आई थिंक थोड़ा स्टोन वगैरह बड़ा बड़ा रखा रहता है, तो वहाँ पे जाना थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि पैर वैर फिसल गया तो गिर जाएगा। अभी तो पानी बहुत ही कोल्ड है, बहुत ही कोल्ड है, तो वो सब रिस्की है। इसके लिए नीचे ये छोरे पे उसको बस थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए भेज रहे हैं। नीचे का इधर का जो पानी है ना आधा में, थोड़ा गंदा रहता है क्योंकि यहाँ पर साइड में सी बोट का स्टैंड है, तो ज़्यादातर पानी जो है गंदा हो जाता है। बट ऊपर जाएंगे ना तो उसका पानी दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये पानी, आप ये देख रहे हैं और आपको ऊपर वाला दिखाएंगे, दोनों में ऐसा आसमान ज़मीन का अंतर हो जाता है। यहाँ पे ये कितना गंदा पानी लग रहा है यहाँ पे देखने में। और इसके ठीक दूसरे छोरे पे जाएंगे तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन वाटर मिलेगा, तो बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे आज सूर्या तो पूरा ये लेक को भर डालेगा क्योंकि बहुत सारा स्टोन और स्टिक फेंक चुका है, अभी उसका मन नहीं भर रहा है। यहाँ पे ऋषिक अब स्टॉलर में उब चुका है, अब नहीं रहेगा, उसको गोदी में आना था तो यहाँ पे ले ली हूँ, थोड़ा देर के लिए उसको गोदी में रखूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये फील्ड है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा बहुत सूर्या खेलेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं और तो आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाले पानी, इसके आधे अभी नीचे ही है, नीचे में ही दो साइड, इधर साइड में जिधर बोट लगता है उधर का एकदम गंदा पानी है, और उसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो थोड़ा क्लीन दिख रहा है यहाँ पे, और ऊपर जाएंगे तो और भी क्लीन वाटर जो है ना, एकदम आपको नीला एकदम पानी दिखेगा, एकदम क्लीन। तो यहाँ पे ये देखिए ये पानी जो है, इसका साइड में भी देखिए थोड़ा थोड़ा गंदा लग रहा है, थोड़ा देखिए इधर साइड कितना ही गंदा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो इधर लेफ्ट साइड में बोट चल रहा है इधर कितना क्लीन है, इधर राइट साइड में थोड़ा हल्का आपको गंदा पानी दिख रहा है।
तो अभी जो है हम लोग ऊपर वाले वो जो पहाड़ जैसा है उस पे चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं और दूसरे किनारे पे जाएंगे, जहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे कितना क्लीन वाटर है। यहाँ पे देखिए दो लड़कियाँ जो है नीचे पहाड़ के नीचे उतर के और बैठ के एंजॉय कर रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दूसरे साइड का पानी। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नीचे वाले छोरे पे। अभी देखिए यहाँ का पानी कितना आपको क्लीन दिख रहा होगा। देखिए जब कैमरे में इतना क्लीन दिख रहा है तो आँख से तो हम लोग जब देख रहे थे तो और भी क्लीन यहाँ पे दिख रहा होगा आप सभी को। जो आँख से देखते हैं वो तो कैमरा में एकदम सेम नहीं उतार पाते हैं, क्योंकि आँख से जो देखा हुआ रहता है उसका अलग ही नज़ारा होता है। बट फिर भी कैमरे के ज़रिए आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्लीन वाटर है। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। हम लोग घूमने ईस्टर के दिन गए थे, तो यहाँ ये शिप पे ईस्टर एक बनी बन के कोई आदमी जो है सब बच्चे को खुश करने के लिए यहाँ पे देखिए डांस कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, तो सच बच्चे को खुश करने के लिए, और आज ईस्टर है तो इसके लिए बनी का कॉस्ट्यूम पहन के और थोड़ा मस्ती कर रहा है। सूर्यांशु जो है आज पूरा लेक को भर ही डालेगा, क्योंकि नीचे तो भर ही दिया है, अभी ऊपर आया है तो ऊपर भी जितना वहाँ पे स्टिक जितना भी स्टोन दिखा सबको फेंक ही दिया है। अभी और ढूंढ रहा है उधर जाके, मेरे से मांग रहा था, मैं उधर स्टोन पे जाके बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा रही थी तो उसको भी जाना था और उसको भी फेंकना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मुझे भूख लग गई। ऊपर देख रही हूँ कि पेड़ से कुछ टपकेगा आम अमरूद, बट नहीं टपका यार। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत लोग टेबल चेयर ला के पार्टी वगैरह भी करते हैं, बहुत लोग लेटे हुए हैं, बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो साइड में दिख रहा है ये पेट एरिया है, यहाँ पे पेट को जिनके पास से अंदर ले जाके और उसको खेलवाते हैं मतलब। तो यहाँ पे सब यही सब है और बच्चे का भी प्ले एरिया है दूसरे साइड में। अभी जाती हूँ उधर तो दिखाती हूँ। यहाँ पे सब लोग लेट के मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ा टायर्ड हो गए थे चल चल के, तो अभी थोड़ा सा प्ले एरिया में जा रहे हैं क्योंकि सूर्या को चाहिए थोड़ा
बोल रहा है कि मुझे खेलना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये साइड में बीच बनाया हुआ है, मतलब आर्टिफिशियली वो लोग सैंड वगैरह डाल के और इधर बीच जैसा बनाए हुए हैं। तो इधर जो है बच्चे का स्लाइड वगैरह है, झूला वगैरह है, तो इधर यहाँ पे खेलते हैं बच्चे लोग। इधर इधर साइड में इधर जो दिख रहा है, इधर कुछ लोग और पार्टी वगैरह, बच्चे का बर्थडे वगैरह होता है तो भी सभी जन आके इधर पार्टी वगैरह भी करते हैं इधर सैंड साइड में। तो उधर भी कर सकते हैं, वो ज़्यादातर इधर करते हैं क्योंकि इधर जो है प्ले एरिया रहता है, तो सब लोग बच्चे लोग भी इंजॉय करते हैं, बड़े लोग अपनी मस्ती करते हैं और बच्चे लोग जो हैं आपस में खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे सूर्या जो है स्लाइड कर रहा है और आधा घंटा इधर टाइम स्पेंड करेंगे, ऑलरेडी 2-3 घंटे हो चुका है। तो अभी जो है हम लोग निकलेंगे घर के लिए, सूर्या से पूछते हैं कि उसको अभी जाना है घर या अभी और रहना है। अगर टायर्ड हो चुका होगा तो आराम से उसको भी लेके और निकलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी घर के लिए जा रहे हैं क्योंकि अब शाम हो गई है। तो अभी यहाँ पे शाम के टाइम में भी अभी इतना लाइट दिख रहा है, धूप दिख रहा है, अभी 5:30 हो रहा है। तो अब घर जाएंगे और सूर्यांशु भी टायर्ड हो चुका है खेल के, तो अब घर जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको कुछ इस वीडियो में ख़राबी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार के आपको दिखाऊं। और कुछ नए लोग मेरे चैनल में जुड़े हैं तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर बजा लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख पाएं। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।